यूट्यूब के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में बात करेंगे इस गिरावट में, जो मार्केट में गिरावट चल रही है, इस गिरावट में आप 3 शेयर जिसे बाय कर सकते हैं, काफी बेहतरीन है, काफी सॉलिड फंडामेंटल्स वाले हैं और टेक्निकल चार्ट पे भी काफी सॉलिड है। मार्केट में इतना गिरावट है, कई सारे स्टॉक 30% तक क्रैश हो चुके हैं, लेकिन इस स्टॉक्स में अभी तक कोई खास गिरावट नहीं हुई है। अब देखिए, इसमें पहला जो हमारा स्टॉक है वो है पॉलीप्लेक्स, काफी बेहतरीन स्टॉक्स है। अगर बात करें यहाँ पर इसके प्राइस का, तो देखिये प्राइस अपने सपोर्ट के आसपास है। अगर ये सपोर्ट टूटता है जो कि है 1650 रुपीज का, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो यहाँ पर इसमें भी गिरावट हो सकती है, जो कि गिरावट 100 पॉइंट का हो, 200 पॉइंट से भी ज्यादा का हो सकता है। तो अभी तक सपोर्ट इस स्टॉक्स ने ब्रेक नहीं किया है, जबकि मार्केट में काफी गिरावट देखने मिला। तो आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं अगर यहाँ से रिवर्सल का साइन मिलता है। अगर इससे पहले यहाँ जो कैंडल बनाया था ऊपर से भी रिजेक्शन मिला है, नीचे से भी रिजेक्शन, मतलब अभी भी डायरेक्शन जो है इस स्टॉक का तय नहीं है, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर ऊपर का साइन दिखाता है यहाँ पर कोई भी, मतलब बुलिश कैंडल बनता है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। तो सिंपल होता है, डेली चार्ट लगाइए, कैंडलस्टिक को देखिए और बाय कीजिए। और कैंडलस्टिक को सीखना चाहते हैं तो हमारे जो शॉर्ट वीडियोस आ रहे हैं उसको देखिए, ताकि आप कैंडलस्टिक को सीख पाए। उसके बाद जो दूसरा स्टॉक है वो है शीला फोम लिमिटेड, पूरा नाम है इसका शीला फोम लिमिटेड SFL, और ये स्टॉक्स भी काफी जबरदस्त है। ये देखिए काफी मूव कर चुका है, तो यहाँ पर आपको देखना होगा, ये स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पर साइडवेज रेंज बना सकता है। गिरावट तो हो नहीं रही है, मार्केट गिर रहा है, स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर एक रेंज बनाएगा। रेंज बनाने के बाद अगर इस रेंज को ऊपर की ओर ब्रेक करता है तो फिर इसको बाय कीजिए आप लॉन्ग टर्म के लिए। अगर गिरावट होती है तो फिर वेट कीजिए, जहां पर मतलब थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम के बाद उस रेंज को ऊपर की ओर ब्रेक करता है तो फिर आपको बाय करना है। उसके बाद तीसरा जो स्टॉक है वो है क्रिसिल। क्रिसिल काफी बेहतरीन स्टॉक्स है, ये भी फंडामेंटली काफी सॉलिड स्टॉक्स है, और अगर हम बात करें तो ये स्टॉक्स भी काफी सॉलिड है, लेकिन मार्केट में गिरावट के साथ इस स्टॉक में काफी जबरदस्त गिरावट देखने मिला है। तो जैसे इसमें गिरावट होता है, गिरावट के बाद कोई साइडवेज रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद उस रेंज को अगर ऊपर की ओर ब्रेक करता है तो फिर इसको बाय कीजिए, अगर नीचे आता है तो फिर वेट कीजिए। देखिए जैसे मार्केट के साथ गिरावट हो रहा है तो वेट करना है, जैसे गिरावट के बाद ये एक साइडवेज रेंज होता है, रेंज को फिर ऊपर की ओर ब्रेक करता है तो फिर आपको बाय करना है, अदरवाइज आपको बाय नहीं करनी चाहिए। तो ये 3 स्टॉक्स है जिसको मैं आपको रिकमेंड करूंगा, इस गिरावट में आप बाय कर सकते हैं। जैसे मतलब गिरावट खत्म होती है, कोई भी बुलिश कैंडल बनता है, बुलिश कैंडल को सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर लगातार जो बुलिश कैंडल है, जो डिफरेंट टाइप के कैंडल है, उस पर हम शॉर्ट वीडियोस ला रहे हैं, तो उसको देखिए और सीखिए और आसानी से आप उस किसी भी स्टॉक को बाय कर सकते हैं जो फंडामेंटली सॉलिड स्टॉक है, उसको कैंडलस्टिक के मदद से, और निश्चित रूप से आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में हमेशा प्रॉफिट होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ऐसे ही एजुकेशन और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।